जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो है वो डॉलर परचेज़ करना चाहते हैं, यूएसडीटी परचेज़ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको मेथड जो है ना मालूम नहीं होता, जिस वजह से वो डॉलर परचेज़ नहीं कर पाते और ये है कि डिफरेंट स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं आज लाइव जो है वो OKX एक्सचेंज में डॉलर बाय करने का मेथड जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है ना मैंने डॉलर सेल कैसे करने हैं, ठीक है, अगर आपके पास USDT OKX एक्सचेंज में मौजूद है, ठीक है, तो आपने उसको सेल कैसे करना है, तो वो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जो है ना वो भी देख लीजिएगा। अगर आपके पास डॉलर है और आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप वो मेथड यूज़ कर लें जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अच्छा, तो आप ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। ठीक है, आपने OKX एक्सचेंज में आ जाना है। OKX एक्सचेंज के अंदर आपके पास ना दो तरह की टैब्स होंगी, एक एक्सचेंज है और दूसरा वॉलेट की टैब है। आपने एक्सचेंज में होना है। एक्सचेंज में जब आप आते हैं तो आपके पास ना यहाँ पे डिपॉज़िट है और बाय है। मेरे पास इस वक्त जो टोटल वैल्यू जो है ना मेरे पास अवेलेबल है डॉलर की 1.40 है। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है और एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक कर लेना है। बाय में आपने P2P ट्रेडिंग में जाना है। ठीक है जी, P2P ट्रेडिंग में जाने पर अब आपके पास फिर दो टैब्स आती हैं, एक में बाय लिखा है, एक में सेल लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि बाय में जो है ना आपने रहना है, ये जो बाय है आपने इसी के अंदर रहते हुए, और आपने सामने अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है ना PKR नहीं सिलेक्टेड है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है ना सिलेक्ट करना है यहाँ पर USDT। ठीक है, USDT आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन फिर आपने अमाउंट को सिलेक्ट करना है कि आप कितनी अमाउंट का USDT बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं 1000 का जो है ना USDT बाय करना चाह रहा हूँ, एंटर कर देते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद पेमेंट मेथड मेरा कौन सा होगा, मैं यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ईजी पैसा सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना एक जो है ना देखने वाली बात है वो ये है कि आपने बाय करना है ना, जो इसमें देखिए मेरे पास पहला जो ट्रेडर आ रहा है ना AD ट्रेडर्स, ठीक है, तो उनका 72.17% जो है ना वो उनका वो आ रहा है, रिव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब इतना जो है ना इनका ये ट्रस्टेड है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आ रहे हैं उन्होंने 40 ट्रांजेक्शन्स किए हैं और 97.56 जो है ना इनका कम्प्लीशन रेट है। ठीक है, इनके साथ भी हम नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ग्रे स्केल ट्रेडर्स है ना इनका 100% आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने 391 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कर रखी है। मैं क्या करता हूँ, मैं इनके साथ बाय कर लेता हूँ, और बाय करने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैक्सिमम। देखिए अब मैक्सिमम जो है ना क्या है कि ये जो इनका है कि भाई मैक्सिमम मैं इनसे कितना बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 6942 रुपीज़ का मैं इनसे बाय कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे बाय कितना करना है 1000 का। ठीक है, मैं 1000 के मुझे $3.53 मुझे बाय करने हैं इनसे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे मैंने जैसे ही बाय के ऊपर क्लिक किया है, अब ये मेरे पास क्या आ गया कि ओके का मैसेज मैं कर देता हूँ। ठीक है, इन्होंने मुझे चैट में जो है ना क्या कहा है। ठीक है जी, आप इसके अंदर चैट के अंदर आ जाते हैं। अब 14 मिनट का टाइम है, मैंने इनको 1000 पे करना है, कहाँ से, थ्रू अपने ईजी पैसा। ठीक है जी, तो मैं इनको क्या करूँगा, मैसेज करूँगा कि शेयर योर ईजी पैसा अकाउंट डिटेल प्लीज। ठीक है जी, तो मैंने ये इनको मैसेज कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे जब जो है ना अपना ईजी पैसा की डिटेल शेयर करते हैं, तो मैं फिर देन क्या करूँगा, अपने ईजी पैसा पे स्विच कर लूँगा। और वहाँ जाके मैंने क्या करना है कि जो ये नंबर मुझे प्रोवाइड करेंगे मैं उसके ऊपर जो है ना 1000 अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है जी, अब ये देखिए इन्होंने मुझे क्या कर दिया है कि ये नेम और जो है ना ये इन्होंने नंबर मुझे भिजवा दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस नंबर को जो है ना मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या मैं अपने पास लिख के ले जाता हूँ 0317। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ से अब मुझे मैं चला जाता हूँ कहाँ पे, ईजी पैसा में। ठीक है जी, ईजी पैसा में जब आप आते हैं, अच्छा, अब ईजी पैसा में मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेंड मनी पे क्लिक करता हूँ और थ्रू ईजी पैसा कर देता हूँ। थ्रू ईजी पैसा करने पर
मैं यहाँ पे जो है ना इनका क्या कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे नंबर ये पेस्ट करता हूँ, ठीक है जी। और नंबर पेस्ट करके अब मैं यहाँ पे देखें मोहम्मद बिलाल आ गया, मैं इनको 1000 रुपये कर देता हूँ, ठीक है 1000 रुपये करके। और ये देखिए मोहम्मद बिलाल जो जो उन्होंने मुझे अपना वो दिया है ना, क्या कहते हैं, जो अपना नंबर उन्होंने मुझे दिया है उसका जो टाइटल है वो उन्होंने मुझे मेंशन किया था, तो मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है जी। सेंड करने के बाद अब ये अमाउंट सेंड हो गई, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि व्यू रिसीप्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं शेयर भी कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो अब ये रिसीप्ट जो है ना, मैं इसको शेयर यहाँ से डायरेक्टली नहीं कर पाऊँगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से फिर मैं चला जाता हूँ किधर, वापस इधर आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं इनको कर देता हूँ पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। पे नाउ पे क्लिक करके मैंने जो है ना क्या करना है कि यहाँ पर मैं आई हैव पेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। आई हैव पेड पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर इनको स्क्रीन शॉट सेंड करूँगा, ठीक है ना। जो मैंने अपने आ जाना है कि इसमें अभी जो मैंने स्क्रीन शॉट लिया था वो मैं स्क्रीन शॉट इनके साथ ये शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि इनके पास जो है ना स्क्रीन शॉट ये चला गया। कंफर्म पेमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर जो है ना अभी उसने मुझे क्या किया, एक मैसेज भेजा है, ये मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेज दिया, ऑर्डर पेड पेंडिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द सेलर। अब मैंने यहाँ पे पेड कर दिया। अब ये देखें कि वो क्या करते हैं कि मुझे जो है ना इसका वो अभी वो मुझे ना अमाउंट क्या करेंगे, जो डॉलर्स की अमाउंट है वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि USDT जब आपने सेल करना है, आप सेलर होते हैं, बायर कुछ कोई और होता है, तो आप उसमें जो है ना वो ये थोड़ा सा ध्यान करते हैं कि आपको पेमेंट जो आई है क्या उसी बंदे से आई है जिसको आप जो है ना वो सेल कर रहे हैं। अभी ये भी वही चीज़ कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि सेलर ने क्या किया कि उनके पास पेमेंट चली गई। अब मैं यहाँ पर व्यू अगर जो है ना जाता हूँ कि इसमें मैं ये देखिए मेरे पास ना $3.5 आ चुके हैं, ठीक है। $3.53 जो है ना वो मुझे रिसीव्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप जो है ना ये फंडिंग अकाउंट में, और अगर मैं अपने ओवरऑल उसमें जाऊंगा, ठीक है ना, अगर ओवरऑल उसमें जाऊंगा तो ये देखिए 4.98 हो गए हैं। तो जो भी आप इस तरह से बाय करते हैं ना, USDT बाय करते हैं, वो आपके पास आपके फंडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है ना USDT बाय कर सकते हैं, और USDT बाय करने के बाद जो है ना आप उसको फिर जो है ना ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं, या जो है ना आपने उनको जो है ना जिस पर्पज़ के लिए भी जो है ना बाय किया आप उस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको जो है इससे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना के लाइव कर दूँ। बहुत शुक्रिया आपका।